हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आज डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.1 हम देखने वाले हैं सबसे पहले। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 से आज स्टार्ट करते हैं अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। आज मैं सवाल जवाब टाइप का क्वेश्चन करूंगा, आप ही से पूछूंगा मुझे क्या करना है। देखिए बेटा, अपने पास देखिए ब्रेकिंग पॉइंट क्या है फंक्शन का। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब जहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, क्या x इक्वल टू 0। देखिए लेस देन 0 पर फंक्शन का बिहेवियर ये है और ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन का बिहेवियर -1 है। तो फंक्शन किस पॉइंट पर अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है? x इक्वल टू 0 पर। मतलब हमें यहां पर लिमिट निकालनी पड़ेगी, हमें यहां पर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी x इक्वल टू 0 पर। ठीक है ना, x इक्वल टू 0 के पहले फंक्शन देख लेते हैं अभी। वेल अभी थोड़ा सा इसमें हमको परिवर्तन करने की जरूरत है। x लेस देन 0 पे ये मॉड x है और x ग्रेटर देन 0 पे और इक्वल टू 0 पे वैल्यू की तैयारी फंक्शन की -1। अब दिक्कत क्या आपके सामने मालूम? दिक्कत ये है मॉड x, क्योंकि मॉड x खुद में एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एक बड़ा फंक्शन है, उलझा हुआ फंक्शन है। तो पहले मॉड x को ब्रेक करो। आप मॉड x जानो होता क्या बेटा? तो मॉड x जो होता है बेटा, मॉड x की डेफिनेशन रट लो, याद कर लो, 11th क्लास में नहीं समझ पे आए हो तो बिल्कुल घोट लो, ये होती है। तो मॉड x की दो वैल्यू निकलती बेटा। अगर x की पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो मॉड x आपको आंसर देगा x। तो कब देगा? अगर आप x की पॉजिटिव वैल्यू देते हो या जीरो के इक्वल वैल्यू देते हो तो मॉड x आपको एज इट इज वही दे देगा जो आप दे रहे हो। समझ में आया? ऐसे हो जाओ ना, दिख रहा हो तो, है ना, आराम से। हाँ, अगर आप x की पॉजिटिव वैल्यू देते हो या जीरो वैल्यू देते हो तो मॉड x आपको एज इट इज वही वैल्यू दे देगा बेटा। क्लियर हुआ? अगर आप x की नेगेटिव वैल्यू देते हो, x लेस देन 0, तो मॉड x आपको क्या देगा बेटा? माइनस x। क्या देगा मॉड x? माइनस x। कैसे? एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बेटा मॉड ऑफ x है। आपने x की वैल्यू पॉजिटिव दे दी, मतलब आपने x की जगह पे 1 प्लेस किया, तो मॉड ऑफ 1 आंसर क्या देगा बेटा? जो दिया वही ले लो, 1। अगर आपने x की वैल्यू -2 दी, क्या दिया? -2। तो x की वैल्यू आपने -2 दी। बताओ बेटा, x की वैल्यू 0 से कम है, नेगेटिव वैल्यू दी ना, पॉजिटिव दी कि नेगेटिव? बोलो यार, बोलना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए रूल क्या है? फंक्शन खुद आपकी वैल्यू के लिए एक माइनस प्रोवाइड करेगा। तो फंक्शन का साइन माइनस और आपकी वैल्यू का साइन क्या? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गया? +2। यार ये ऐसे होता है। और हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं चाहे +2 हो तो भी 2 मिलेगा और -2 हो तो भी क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अरे +2 तो 2 ठीक है, बट -2 का 2 कैसे हुआ? -2 क्या था? इनपुट था और फंक्शन ने खुद एक माइनस प्रोड्यूस किया। उसका रूल है कि नेगेटिव दोगे तो मैं माइनस साइन प्रोड्यूस करूंगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया यार? +2। आया समझ में? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो ये हुआ फंक्शन की वैल्यू। समझ गया ना, मॉड एक्स पूरे तरीके से ये होता है। ठीक है भाई, मॉड एक्स की डेफिनेशन जान गए अपन। अब इसमें क्या यूज है इसका, देखो बेटा। अब इसमें मॉड एक्स यूज हो रहा है एक्स लेस देन 0 पे। ये देखो ध्यान से, एक्स लेस देन 0। तो एक्स लेस देन 0 पे मॉड एक्स को ब्रेक भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ब्रेक फॉर्म में थोड़ा ना है, यहां पे फंक्शन फॉर्म में दे दिया है। तो बताइए मुझे, एक्स लेस देन 0 में मॉड एक्स किस में मैं ब्रेक करूं? प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? आपने बोला आदर्श जी, प्लस एक्स। खुल की बात होगी, एक्स लेस देन 0 में बोल रहा हूं। अब x लेस देन 0 पे मुझे मॉड x का वैल्यू चाहिए कि मॉड x एक्चुअली होगा क्या? देखिए x ग्रेटर देन 0 पे प्लस x है और x लेस देन 0 पे माइनस x है। तो भैया ये क्यों लगा रहे हो? कंडीशन तो ये वाली चल रही ना, x लेस देन 0 के लिए, तो ये वाली लगाओगे ना? बोलो यस और नो। तो यस। तो देखिए यहां पे क्या होगा, तो यहां पे आपके पास फंक्शन आएगा। ऊपर तो x था ही बेटा, ऊपर तो x था ही, और यहां पे क्या आएगा बेटा? माइनस x। क्यों? क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी मौसम चल रहा है x लेस देन 0 का। तो x लेस देन 0 पे माइनस x से ब्रेक होगा। कब? x लेस देन 0 पे। और x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल देन 0 पे खुद वैल्यू दे ही रखी है -1। मे भी आपके मन में सवाल उठ सकता है, सर इसका यूज क्यों नहीं किया? अरे इसके यूज के लिए उसने कुछ कंडीशन दी नहीं, कुछ पूछा ही नहीं है। बोले सर ग्रेटर देन 0 पे दिया तो है, ये दिया तो है सर ग्रेटर देन 0, पूछा तो है। तो बेटा मेरे, ग्रेटर देन 0 पे तो डायरेक्टली वैल्यू दे दी ना आपको, मुझे छूने का अधिकार नहीं है उसको। अगर वहां पे भी मॉड x बोला होता तो मैं वैल्यू प्लेस करता, बट टच करने को बोल ही नहीं रहा है। आया समझ में भाई? तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। ये आ गया, कितना आया? -1। कितना आया? -1। अभी तक तो फंक्शन ही चल रहा, कंटिन्यूटी शुरू हुई नहीं अभी। ये हुआ -1 कब? x लेस देन 0। और क्या भैया? -1 कब? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आ गया समझ में? चलिए अब शुरू, अब आपका जो फंक्शन है वो सही रूप में दिखाई दे रहा है। अब जो फंक्शन है आपका सही एकदम सीधे सीधे रूप में दिखाई दे रहा है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। आइए लिमिट निकालते हैं, कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। समझ गया ना? चलिए एग्जामिन करते हैं कंटिन्यूटी की।
एग्जामिन एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्यों भाई, क्या क्या निकालते हैं एग्जामिन करने के लिए कंटिन्यूटी के लिए बताओ? पहली चीज क्या निकालते हैं? वैल्यू उसी पॉइंट पर। तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो, बताओ भाई आदर्श कौन देगा वैल्यू? ये वाला फंक्शन आ चुके हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दिख रही है? बस खत्म खेल, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस वन। समझ में आ गया, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस वन। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट? चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, एल एच एल इक्वल टू सिम्बोलिकली क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के पहले, जीरो के पीछे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स, जीरो के पीछे फंक्शन की वैल्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के पीछे। बेटा देखो जीरो के पीछे कौन सा फंक्शन लग रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? जीरो के आगे नीचे वाला, जीरो के पीछे ऊपर वाला लगेगा। अब आपने भला कि कोई फर्क पे यहाँ पे पड़ेगा नहीं सर, ऊपर भी माइनस वन नीचे भी माइनस वन, बट लॉजिकली गलत बोल रहा ना, ऊपर वाला लगेगा। लेस देन जीरो पे फंक्शन क्या बेटा? माइनस वन। तुरंत गुब्बारे उड़ा दो खुशी के, माइनस वन दिख जाए, मतलब लिमिट विमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्स्टेंट पे कोई लिमिट लगती नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू आ गई कितनी भैया? माइनस वन। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। अगला देखिए आर एच एल, आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो प्लस फंक्शन की वैल्यू। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो के आगे कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा यार? नीचे वाला, और वो भी कितना है? माइनस वन। तो भैया आदर्श ये बताओ क्या लिमिट विमिट कुछ लगेगा फंडा? कॉन्स्टेंट है, बल्ले बल्ले, सीधे आंसर क्या? माइनस वन। तो देखिए जीरो पर लेफ्ट, जीरो पर राइट और जीरो पर वैल्यू क्या है, तीनों की सेम है, मतलब फंक्शन क्या हुआ एक्स इक्वल टू जीरो पर? कंटिन्यूअस। क्या हुआ? कंटिन्यूअस। सो देख लो आंसर कंटिन्यूअस एवरीवेयर है ना, एक्स इक्वल टू जीरो एक पॉइंट था अपना जिस पर अपन को डाउट हो रहा था, उस पर ही कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकेंड लाइन फिर से बता दूं बेटा, देखो एक्स अपॉन मॉड एक्स था, मॉड एक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि मॉड एक्स अगर पॉजिटिव वैल्यू बोलोगे तो एक्स पे टूटता है, और अगर निगेटिव वैल्यू बोलोगे तो किस पे टूटेगा बेटा? माइनस एक्स पे। निगेटिव यानी लेस देन जीरो, मन में बिठा लो, निगेटिव यानी लेस देन जीरो, और पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, आ जाओ ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, निगेटिव मतलब लेस देन जीरो। एक चलो बच्चों जी, तो पॉजिटिव मतलब एक्स, अगर पॉजिटिव पे ब्रेक करोगे बेटा तो प्लस एक्स पे टूटेगा, और अगर आप निगेटिव ले वैल्यू है तो किस पे टूटेगा? माइनस एक्स पे। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? मैंने ये भी बता दिया कि माइनस एक्स पे क्यों टूटेगा, क्योंकि आप अगर माइनस थ्री दे रहे हो तो माइनस थ्री को थ्री में ब्रेक करने के लिए आपको एक और माइनस देना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। मॉडुलस का मतलब आपकी मीनिंग में क्या है, आपका मन क्या कहता है मॉडुलस का मतलब? आपका मन कहता है मॉडुलस का मतलब जो भी दोगे वो पॉजिटिव मिलेगा। मॉडुलस का मीनिंग तो आप यही समझते हैं ना कि जो भी दोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव दोगे तो वही का वही मिलेगा, बट निगेटिव दोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, मतलब कि निगेटिव को एक और निगेटिव देना पड़ेगा। बोलो यस और नो? तो अगर आप एक्स लेस देन जीरो दे रहे हो तो एक्स लेस देन जीरो मतलब एक्स खुद में निगेटिव है, एक्स खुद में निगेटिव है, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर को प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर बदलने के लिए एक और माइनस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो माइनस एक्स लगाना पड़ेगा, समझ गया ना? तो ये माइनस अलग है और एक्स का माइनस अलग है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आ गया समझ में ना? तो देखिए अपने पास क्या चल रहा है बेटा, एक्स लेस देन जीरो चल रहा है, तो एक्स लेस देन जीरो पे मॉड एक्स किस में ब्रेक होगा बोलो? माइनस एक्स में। किस में ब्रेक होगा? माइनस एक्स में। तो एक्स लेस देन जीरो में मॉड एक्स ब्रेक हो गया माइनस एक्स में, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया? माइनस वन, एक्स बन जाए एक्स माइनस वन। आ गया समझ में ना? तो नोट करो फटाफट, इसकी फोटो खींचो ठीक है ना। तो आंसर आ गया कंटिन्यूअस है, सो लिखो सो एफ एक्स गिवेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या था? जीरो। हाँ एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी आ गई है, अच्छी बात है। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन को लिखने के पहले मॉड एक्स की डेफिनेशन एक बार रिकॉल कर लीजिए अपने मन में। मॉड एक्स होता है एक्स कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स कब? जब एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है ना। तो मॉड एक्स सीधे सीधे एक्स में आ जाएगा जब आपकी एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो के इक्वल है, और अगर जीरो से छोटी वैल्यू तो मॉड एक्स एक्स माइनस एक्स में ब्रेक होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो मैं दे रहा हूं अगला क्वेश्चन। अगर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो मॉड एक्स की वैल्यू दे रहा है मॉड एक्स अपॉन एक्स, क्यों? यही है ना, तो फंक्शन की वैल्यू मॉड एक्स अपॉन एक्स है, और एक्स इक्वल टू जीरो पे कितनी दी रखी वैल्यू बेटा? वन की, जीरो। ओके एक्स इक्वल टू जीरो पे दी रखी है भाई। एक्स देखो ये क्वेश्चन है, ये दे रखी है, इस पे हम जिस पे वैल्यू इक्वल दे रखी है उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। उसने एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो दे रही है, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्यों दे रखी है, समझ गया ना? एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो दे रखी है, हमें यही मानना पड़ेगा।
हमें यही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे आप चाहें तो लड़ सकते हैं, अगर यदि कुछ ना दिया होता, अगर हमारे भरोसे छोड़ दिया जाए एफ ऑफ जीरो निकालने को, देखो तो क्या हाल होगा। एफ ऑफ जीरो अगर हमारे भरोसे छोड़ दिया जाए तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये जनरल नॉलेज की बात मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से। भाई पहली चीज, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते एक्स इक्वल टू जीरो पर, कारण क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पर दिया गया है। कारण ये एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पर दिया है, इसलिए एक्स इक्वल टू जीरो का इस पर वैल्यू निकालना, जीरो पर वैल्यू निकालना इस फंक्शन की गैर कानूनी है, इलीगल है, समझ गए ना। क्योंकि ये लीगल कब तक बनता है, जब से जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो, समझ गए ना। फिर भी वैल्यू यदि निकालें तो देखिए क्या आ रहा है, मॉड ऑफ जीरो अपॉन जीरो, मॉड जीरो कितना होता है और ये भी जीरो, जीरो अपॉन जीरो मतलब अनडिटरमिनेट, अनडिटरमिनेट, समझ गए ना। मगर अब क्वेश्चन ने खुद वैल्यू दे के रखी है जीरो, उसने इसलिए वैल्यू दे रखी है कि आप लोग परेशान ना होए, हमारी खुद मुसीबत हल कर दिया क्वेश्चन ने, x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू दे के रखी है, समझ गए ना। तो इससे कंफ्यूज मत होना, इस पर वैल्यू आपको नहीं निकालना है, मेरे कहने का मतलब इस पर आपको जीरो पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, उसी को प्रणाम कीजिए और स्वीकार कीजिए, समझ गए। चलिए आगे करते हैं, तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो पर ये वैल्यू दे रखी है। अब भैया x इज नॉट इक्वल टू जीरो, कल मैंने कहा x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x इज नॉट इक्वल टू जीरो के दो मायने होते हैं, x जीरो के इक्वल ना हो के दो मायने, या तो x जीरो से बड़ा हो या x जीरो से छोटा हो, समझ में आया, x जीरो से बड़ा हो या x जीरो से छोटा हो, यस, तो दो मायनों में टूटेगा ये, समझ गए ना। हाँ मैंने कहा तुम्हारे किसी भी हालत में, तुम्हारे किसी भी हालत में दस नंबर नहीं आने चाहिए, समझ गए ना, दस नंबर नहीं आने चाहिए। पिछले टेस्ट में आपके आए, मान लीजिए पिछले टेस्ट में आपके 50 में से आ गए 10 नंबर, पिताजी ने बोला बेटा इस बार अगर 10 नंबर लेकर के आए तो मैं हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी, तो आप 9 ले आए, भाई 10 का मना किया था तो आप लेफ्ट में सरक गए तो 9 ले आए और राइट में सरक गए तो 11 ले आए, समझ गए। तो भैया दो केस बनते हैं, आपकी वैल्यू जीरो ना हो तो जीरो से बड़ी हो या जीरो से छोटी हो। सो एफ एक्स इक्वल टू, चलो भैया x 0 के इक्वल नहीं है, मतलब दो केसेस x ग्रेटर देन 0 और दूसरा x लेस देन 0, और x इक्वल टू 0 पर तो मैंने कहा प्रणाम कीजिए, स्वीकार कीजिए, क्वेश्चन ने जो वैल्यू दे रखी अच्छी बात है, ये 0 पे वैल्यू दे रखी है। अब चलिए x ग्रेटर देन 0 पे मॉड x मदद लीजिए, अगर मॉड x x ग्रेटर देन 0 पे तो किस पे ब्रेक होगा, अरे x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x किसके ब्रेक होगा, x पे यार, x पे ब्रेक होगा, तो जहां मॉड x था वहां पे क्या रखोगे x, और नीचे तो x रहेगा ही। x लेस देन 0 के लिए मॉड x किस में ब्रेक होगा, माइनस x अपॉन कितना x, क्लियर हो गया, काटाकुटी शुरू करो, x से कितने बार बेटा 1 बार, ये कितने बार बेटा माइनस 1 बार, माइनस पहले लगा हुआ है। तो फंक्शन का जो फाइनली स्वरूप हमारे सामने आया, जो ओरिजिनली ये फंक्शन है, ये क्या है 1 कब x ग्रेटर देन 0, माइनस 1 कब x लेस देन 0, और 0 कब व्हेन x इक्वल टू, साफ दिख रहा है डिसकंटीन्यूअस है, साफ दिख रहा है भाई किस पर ऑब्जर्वेशन करना है, जीरो पर। अब चलिए वही तीन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू। सबसे पहले जीरो पर वैल्यू देखते हैं, एफ ऑफ जीरो, जीरो पर वैल्यू देने के लिए कौन जिम्मेदार, ये खुद कह रहा भैया, फंक्शन ने खुद गारंटी ली है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। अब एल एच एल निकालते हैं, एल एच एल का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू। तो लिमिट जीरो के जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू, एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, फंक्शन की वैल्यू जीरो के जस्ट पहले कौन दे रहा है, माइनस वन, बोलो यस। मैंने कहा ना गुब्बारे उड़ाओ खुशी के, क्योंकि माइनस वन आता है कांस्टेंट, तो कभी कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सीधे कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, सीधे सीधे माइनस वन, ठीक है ना। अगला आर एच एल निकाल लो यार, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन की वैल्यू जीरो से आगे के लिए, जीरो से आगे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या बेटा, वन है। तो आंसर कितना आ गया, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस और फंक्शन की वैल्यू वन, फिर से खुशी के गुब्बारे, वन कांस्टेंट पे लगेगा नहीं। तो देखिए क्या समझ में आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन, राइट हैंड लिमिट प्लस वन, तीनों अलग अलग जवाब दे रहे हैं, समझ गया ना। जिस पॉइंट से पूछा गया उससे बोला गया, बोले कितने नंबर आए तेरे, बोले जीरो। बगल वाले से पूछा गया का इसके कितने नंबर आए थे, उसने बोला सर माइनस वन आए थे। इधर वाले से पूछा गया इसके कितने आए थे, उसने बोला सर प्लस वन आए थे। तीनों अलग अलग जवाब दे रहे हैं, तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है और साथ में फंक्शन की वैल्यू भी अलग आ रही है, समझ में आ गया। तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब आइए इसका ग्राफ बना के दिखा लेते हैं, पहले इसकी फोटो खींच लो फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए आइए इसका ग्राफ बना कर देख लेते हैं। बेटा ग्राफ के लिए केवल आपके पास फंक्शन प्रेजेंट है, उसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखो जी ग्राफ के लिए क्या है कार्यक्रम, ये y एक्सिस,
ये एक्स एक्सिस, हाँ बेटा जी, x इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू कितनी, जीरो, ये x इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू जीरो, तो बेटा पॉइंट मिल गया जीरो कॉमा जीरो, समझ गया ना। फिर x ग्रेटर देन जीरो पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, वन, मतलब x ग्रेटर देन जीरो, x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी, मतलब ओरिजिन पे हाथ नहीं लगा सकते हो, तो ओरिजिन से बड़ी वैल्यू पे y की वैल्यू हर जगह वन आ रही है, तो यहाँ पे एक बबल लगाओ। क्यों क्यों बबल लगाओ, बबल इसलिए लगाया है क्योंकि ओरिजिन पर वैल्यू जीरो है, हम ओरिजिन पर वैल्यू टच नहीं कर सकते, हाँ ओरिजिन के आगे टच कर सकते हैं। ये देखो बेटा, ये वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से हाइट कितनी है, वन है, क्या है हाइट, वन, तो ये ग्राफ आ गया वाई इक्वल टू वन, एफ एक्स को बेटा वाई बोलते हैं, तो पहला ग्राफ वाई इक्वल्स टू वन, ओरिजिन पर जीरो, देन इसके बाद फिर माइनस वन, माइनस वन, कब, एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो पर वाई की वैल्यू कितनी, माइनस वन। मैं इसके किनारे से ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, ऊपर नहीं बना सकता हूँ, ऊपर इसलिए नहीं बना सकता हूँ कि अगर मैंने ऊपर टच कर दिया, ये मैंने यहाँ पे टच कर दिया, तो इसका मतलब वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे, जीरो कॉमा माइनस वन, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू कितनी, माइनस वन। बट आपने कह रखा है यहाँ कि एक्स की वैल्यू पर, एक्स की वैल्यू जीरो होने पर वाई की वैल्यू जीरो है, तो इसलिए मैं इसको छू नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ गुब्बारा लगाना पड़ेगा, हवा भरा हुआ, यस, जीरो कॉमा माइनस वन, यहाँ बबल लगाओ, मतलब डोंट टच, समझ में आ गया। तो ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया। आप इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते हो क्या, बोलो भैया बना सकते हो क्या, यस। तो ये कैसा ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस, कैसा ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस, आ गया समझ में ना। तो ये x इक्वल टू जीरो पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस, क्लियर हो गया, नोट करिए। चलिए अगली हेडिंग डालिए, टू ब्रेक अ मॉडुलस फंक्शन। आइए मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना सिखाता हूँ, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा 11th अपन पढ़ रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना।